तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिडोज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी सीरीज चल रही है क्लास 11th के हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसी लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज चैप्टर नंबर 4 के नोट्स। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए वीडियो को। आप मैं होप करूंगा कि आप इस कॉपी पे उतारेंगे इस सारे नोट्स को, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी और वेरियस बुक्स का जो डिटेल्ड वर्जन है ना, जो हमारे काम का है बिल्कुल, उसको निकाल के आपके लिए रखा है, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, आपको बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना होए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और अगर इस वीडियो को लाइक करके जाओ तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यार इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। अगर कोई भी दिक्कत इस वीडियो के दौरान आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आया अजम्पशन ऑफ आईसी एनालिसिस। आईसी एनालिसिस का क्या अजम्पशन है? सबसे पहले इनकम इज सेम। आईसी कर्व के बारे में हम यहां बात करने जा रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इनडिफरेंस कर्व। यार मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ताकि मैं आपको इसमें ऊपर ऊपर से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं इसकी, और ये आप नोट्स लर्न कर जाए अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प हो। एजम्पशन क्या क्या होती है आईसी एनालिसिस की? सबसे पहले तो इनकम सेम है, जो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है उसकी इनकम सेम रहेगी। अगर वो महीने के 1,00,000 रुपए कमा रहा है तो वो 1,00,000 ही कमाएगा, ठीक है। इसकी एजम्पशन ये रहती है कि इनकम सेम है। उसके बाद कंज्यूमर स्पेंड इज इनकम ऑन टू गुड्स विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। कि कंज्यूमर दो गुड्स पे, केवल और केवल दो गुड्स पे अपने पैसे को खर्च कर रहा है, और जो दो गुड्स है वो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है। क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि अगर एक टाइम पे एक गुड नहीं अवेलेबल है तो भाई हम दूसरा ले सकते हैं। मान लो आपको एक टाइम पे पल्स की टॉफी नहीं मिलती है, तो आप एलबीएल की टॉफी भी खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही हो गया ना, कंज्यूमर कैन स्पेंड इज इनकम ऑन टू गुड्स विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑन ईच अदर। हालांकि मजा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। पिछली वीडियो में भी बहुत पल्स की बात हो गई थी, चलो कोई नहीं। चैप्टर वो पॉइंट नंबर 3, कंज्यूमर प्रेफरेंस इज वेल डिफाइंड। जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड है। कंज्यूमर को जो पसंद है वही वो लेगा, उसी पे वो अपनी इनकम को स्पेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मोर गुड मीन्स मोर सेटिस्फेक्शन कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मतलब जितना इसको ना, वैसे ये एप्लीकेबल नहीं होता, फिर भी हम इसे पढ़ते हैं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कि जितना ज्यादा गुड कंज्यूम करता जाएगा उतनी कम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होने लग जाएगी, नेगेटिव में जाने लग जाएगी, क्योंकि अब वो अपनी जितना कंज्यूम कर सकता है उससे कुछ ज्यादा ही कंज्यूम करे जा रहे हैं। पर इस केस में, आईसी एनालिसिस के केस में हम क्या लेके चलते हैं कि भाई मोर गुड मीन्स मोर सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसी को हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद आता है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरी लग्जरी वाली लाइफ नहीं जी रहा, ना ज्यादा रिच है ना ज्यादा पुअर है, मिडिल क्लास का कंज्यूमर है। जितने पैसे वो देख के पैसे खर्च करता है, ऐसे नहीं है बिना देखे भाई ले, जितने की चीज है ले ली भाई चलो। अब उसके बाद आता है इनडिफरेंस सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आईसी कर्व पे पॉइंट्स आते हैं उन सबको हम इनडिफरेंस सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनडिफरेंस सेट की आप डेफिनेशन देख लीजिए, सेट ऑफ ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर को सेम लेवल सेटिस्फेक्शन का प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स में मान लो दो वो है, एक्स गुड का एक वाई गुड का, दोनों कंज्यूमर को सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है, ताकि कंज्यूमर को डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत ना आए, भाई जोन सा लेना ले, क्योंकि सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन है, तो आपको टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये है इनडिफरेंस सेट, आप इसकी डेफिनेशन लर्न करके जा सकते हैं, ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फ्रेंड्स 4 नंबर का क्वेश्चन है, आज लिखवा लो। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप भी इसको अच्छे से करके जाइए, क्योंकि ये मेरे पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी एनालिसिस जब मैं 11th में, मेरे को बहुत बार रिपीट होता था और मुझे अच्छे से आता है। प्रॉपर्टीज क्या है आईसी एनालिसिस की? सबसे पहले तो आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। जो हमारा कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व, वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। कि जितनी ज्यादा, अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, भाई आईसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? मीन्स मोर ऑफ वन गुड विल बी डेफिनेटली लेड टू द लेस ऑफ अदर गुड्स। कि आप पे अगर 20 रुपए हैं, 10 रुपए की आपने कोई चीज खा ली तो 10 रुपए दूसरे पे जाओगे। अगर आपने इसमें से 15 रुपए की एक बार चीज खा ली तो 5 रुपए ही दोगे दूसरे गुड्स को। ऐसा तो है नहीं आप 10 रुपए ही दोगे इस टाइम भी उस गुड्स को, कि आपने उसमें ज्यादा खा ली पर इसमें भी उतना ही दोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितने पैसे उतने ही खर्च कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि ज्यादा गुड्स का मतलब है आप दूसरे गुड पे कम पैसे खर्च करोगे। और स्लोप डाउनवर्ड्स का आप मतलब समझ ही गए होंगे, कि आप इसमें फिगर भी बना कह सकते हैं स्लोप कैसे डाउनवर्ड होता है। ये आईसी का हमारा ग्राफ है,
इधर ऐसे इसका स्लोप डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले उस पे। आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, आईसी जो है ओरिजिन की कन्वेक्स है, इसका मतलब कि जो आईसी है देखो वो ऐसे कन्वेक्स होती है, ये तो ये फिगर है कन्वेक्स फिगर जिसमें वो ऐसे मतलब इधर से ऐसे हम सिकेंड ड्रॉ कर सकते हैं, आप ही समझिए। और कनकेव अगर मैं कहूँ तो कनकेव होती है कुछ इस तरह से, ये आईसी नहीं होती, ये आईसी होती है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसका ये भी पूछा जा सकता है कि कन्वेक्स क्यों होती है ओरिजिन की आईसी, तो उसके लिए आपका आंसर है ड्यू टू डिक्लाइनिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कम होने की वजह से आईसी जो है वो ज्यादा कम है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर ये मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में बिल्कुल मेरे भरोसे चले जाओ। आप अगर मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने नोट्स लर्न कर रखे तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना है कि नोट्स के कौन से पार्ट में वो चीज अवेलेबल है। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है कि अगर आपने ये सारे नोट्स लर्न कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर फ्रेंड्स मैं आपको ये कहूंगा कि आपके कंसेप्ट हरे क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इनडिफरेंस मैप। एक बार मैं इनडिफरेंस मैप की डेफिनेशन आपको बताना भूल गया कि सेट ऑफ आईसीज ड्रोन, जितनी आईसीज जितनी ज्यादा आईसीज, मान लो ये एक अगर हम सिंपल आईसी कर्व ड्रॉ करें तो हम ये करेंगे, पर जब हम इसी में मल्टीपल ड्रॉ कर दें बहुत ज्यादा ड्रॉ कर दें तो हम इसे कहेंगे इनडिफरेंस मैप, इसे आईएम भी कह देते हैं। अब उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अपने, जाके हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे आईसी कर्व की। थर्ड हमारा पॉइंट आता है हायर आईसी शोज, ज्यादा आईसी का मतलब है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितनी ज्यादा आईसी मीन्स उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो आप समझ ही गए होंगे। और इसको मैंने आपको अजम्पशन भी एक्सप्लेन करी है पीछे कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बेसिस पे ही होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैंने आपको बताया पीछे, मैं फिर से बता देता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है जितना खाओगे उतने यूटिलिटी आएगी, पर ऐसा असली में नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर थर्ड में पढ़ाया था कि ऐसा असली में क्यों नहीं होता। उसके बाद होता है फोर्थ, आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये फिगर कभी पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर जब आप प्रॉपर्टीज लिखोगे तो आप इसको फिगर को जरूर बना के आओगे, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना भाई आईसी कैन नॉट इवन इंटरसेक्ट ईच अदर, कि ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब हमारे आईसी हमारे कैलकुलेशंस गलत है। उसके बाद आईसी डू नॉट टच टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आईसी कभी भी ऐसे नहीं बनेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई एक्सिस को टच कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ऐसी आईसी कभी भी नहीं बन सकती। ऐसी आईसी क्यों नहीं बन सकती, इसका मतलब ये होगा कि आपने वाई गुड को कंज्यूम ही नहीं किया, वाई गुड के 0% आपने कंजप्शन करी है, और इसका मतलब ये होगा कि आपने एक्स गुड की बिल्कुल 0% कंजप्शन करी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए गलत है। अब हमारे प्रॉपर्टीज हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया ये 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज का, आप इसे अच्छे से लर्न करके जाइए। उसके बाद आता है बजट सेट, बजट सेट क्या होता है, ऑल अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स, जितने भी कॉम्बिनेशन है जो आपके बजट में फिट आ रहे हैं जिससे आपकी इनकम और प्राइस ज्यादा डिफरेंस नहीं है जिसके अंदर, उसे हम कहते हैं उन सेट्स को हम कहते हैं बजट सेट। बजट सेट की मैंने ये बना रखा है आपके लिए ग्राफ, ग्राफ कैसे बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो भाई ग्राफ्स बनाना मत भूलना, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑल्सो कॉल्ड बजट कॉन्स्टेंट एंड इज शोन लिमिट अप टू द कंज्यूमर कैन बाय, इसका मतलब है आप इस जैसे आप मान लो ये यहाँ पे है तो आप इससे ज्यादा ऊपर नहीं खरीद सकते, क्यों नहीं खरीद सकते, पैसे ही नहीं है इससे ऊपर कौन खरीदोगे, ठीक है ना, तो आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारी assumptions लेके चल रहे हो कि आपके चाचा की दुकान ना हो तो आप जितने पैसे नहीं है उससे ज्यादा खरीद के लिए आए, तो हम बेसिक उसमें बात कर रहे हैं, ऐसा कोई प्लीज कमेंट मत करना क्योंकि ऐसे कमेंट में भी पहले भी बहुत आ चुके हैं, पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वो बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरा डाउट बहुत ज्यादा कि ये हंसेंगे भैया भी हंसेंगे और जितने लोग हैं वो भी हंसेंगे, तो इससे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, आप मुझसे बेझिझक डाउट पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं बजट जो लाइन होती है, बजट सेट की लाइन होती है बजट लाइन, इसे बजट लाइन हम कहते हैं, इसका क्या मतलब है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वन और गुड टू, गुड वन और गुड टू के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं उसे हम कहते हैं बजट लाइन। अब इसको नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गए, जो ये बाहर चला गया ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज आया बाय चेंज इन एक्स, एक्स में कितना चेंज आया। जैसे आप देख सकते हैं मान लो एक गुड यहाँ पे आपने कंज्यूम किया, दूसरा गुड आपने ये कंज्यूम किया, ठीक है। अब आप इस केस में देख सकते हैं पहले में एक्स ये है दूसरे में एक्स ये है, तो इतना क्या होगा डेल्टा एक्स, पहले में वाई ये है दूसरे में वाई ये है,
तो इतने में क्या है, मतलब यहाँ पे तो इसके सामने ये आ रहा है ना, तो ये हो गया डेल्टा वाई। तो इसकी जो वैल्यू आती है उससे हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया, अब मैं थोड़ा सा आपको बजट लाइन के बारे में बताने वाला हूँ कि बजट लाइन आखिरकार होता क्या है। बजट लाइन के बारे में हम पढ़ तो रहे हैं, बजट लाइन का मतलब क्या है। बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। ऐसा भी केस होता है कि जब बजट, मान ली बजट लाइन ये है, ठीक है, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो ये कैसी हो जाएगी, आगे आ जाएगी ये बजट लाइन, मतलब आपका बजट ऊपर चला गया, ज्वाइन होगी ये। अगर आपकी इनकम कम होगी, भगवान ना करे ऐसा हो, फिर भी मान के चलो अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी ये बजट लाइन नीचे चली जाएगी। ये है हमारी मेन बजट लाइन, जिस बेसिस पे हम किसी भी बजट को कंक्लूड कर रहे हैं। अगर इनकम ज्यादा होगी तो ये होगी, अगर इनकम कम होगी तो ये होगी। अब उसके बता रहे हैं बजट लाइन रोटेट्स इन फॉल ऑफ प्राइसेस। बजट लाइन रोटेट कर जाती है जब प्राइसेस में चेंज आता है। प्राइसेस में चेंज आना मतलब कि बजट पे सारा इफेक्ट पड़ जाना, तो आपको दोबारा से बजट दोबारा सारा बनाना पड़ जाता है। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे कंज्यूमर सी का मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये मैंने, मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप एक बार वीडियो पूरी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, इससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आप जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रखी होती है ना वो भी आप मुझसे समझ सकते हैं। अब आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई को हम कैसे निकालेंगे। प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो आईसी की मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी है कि भाई आईसी ओरिजिन के कन्वेक्स होते हैं, पर जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है उस पर शार्पेस्ट कन्वेक्स होता है, मींस भाई मेन पॉइंट होता है जहां से टेंजेंट हम पास कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू प्राइस लाइन। आईसी का जो स्लोप है उसी को हम प्राइस लाइन कहेंगे, ठीक है। अब ई क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कब आएगा, द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट, जो ये ई पॉइंट मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट किया है, द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट एक्स एंड वाई एंड रेट विच मार्केट अलाउज हिम टू सब्सटीट्यूट, और ऐसा रेट जो मार्केट में अलाउ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इसमें 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन बताया, दोनों में से एक आएगा ही आएगा। और जब आ जाए ना यार एक बार कमेंट कर देना आके, थैंक यू भैया आपने जो बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके लिए बस इतना ही लाना चाहता था। वीडियो को लाइक करके जाना क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप कोई भी ऐसा अपडेट मिस ना करें और कोई भी अच्छे अच्छे नोट्स आपके मिस ना हो। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की अगर वीडियोज के चैप्टर्स की देखनी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।